गया कसम से यार, ये देखो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार सभी लोगों को, एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है दिवाली, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को पता होगा दिवाली। तो दिवाली की बहुत सारी यादें हैं अपने पास, बचपन से लेकर अभी तक की यादें हैं। बचपन की जो मेरी दिवाली थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मनाई जाती थी, मतलब अच्छी मनती थी। वो ऐसे मनती थी, मतलब उसको इंजॉय करते थे, क्योंकि मेरे ना बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। अभी मेरे ज़्यादा दोस्त रहे नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं रहे, कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गए, तो उतना पता नहीं चलता। या दिवाली के समय मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो खैर, बचपन की बात करें तो बचपन से हमको इतना याद है कि बचपन में हम लोग पटाखे बहुत सारे खरीदते थे, और बस उसको रॉकेट छुड़छुड़िया क्या बोलते उसको, और फिर एक चिकरिन्नी बोलते उसको जो ज़मीन पे नाचता है। और फिर अच्छा, ये सारे बड़े बड़े पटाखों के अलावा भी कुछ कुछ पटाखे, छोटे छोटे पटाखे आने लगते थे। एक सांप जैसा गोली जैसा होता था, उसमें आग लगा तो उससे बन जाता था, और हम लोग एक गन दी जाती थी, गन में वो पूरी उसकी वो लगी रहती थी, चट्टा क्या बोलते हैं उसको, चुटपुटिया बोलते हैं, चक चक 10-20 दिन पहले से ही करना चालू कर देते थे। कभी कभी तो स्कूल में भी लेके जाते थे। और फिर उसके बाद सीको बम फुड़ाना, फिर उसके बाद सीको बम को पूरा पूरा आप लोगों ने भी किया होगा, बम को जो सीको बम आता है इतना बड़ा बड़ा, उसको 4-5 उसको अटैच करके सबका वो जो छोर होता है उसको एक में मिला के, और फिर उसको कागज़ में रख के जला के बम मुझे बोलता है। वैसे उतना ज़्यादा बोलता नहीं है, हम लोग को लगता था कि बहुत ज़्यादा तेज़ फटेगा। फिर कभी कभी क्या होता था, वो जो सीको बम छोटा छोटा सा आता था, जो 10-10 रुपये का पैकेट मिलता था, उसको उसका पूरा बारूद निकाल के कागज़ में रख लो, सारे बच्चे करते होंगे, कागज़ में रख के फिर उसमें आग लगा के फिर उसको जलाओ। फिर जब हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए तब आने लगा बड़ा वाला बम। बड़े वाले बम को मतलब इतना बड़ा आता था, 5 रुपये का मिलता था वो, हम लोग तो फोड़ भी नहीं पाते थे, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती थी, मतलब वो दीवार पे मारा जाता था, बम ऐसे बोलता था। आई थिंक वो लीगल नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही बेकार, बहुत ही सड़ा बम होता है, आसपास के लोग भी डर जाते हैं, सबसे ज़्यादा कुत्ते डर जाते हैं, गाय डर जाती हैं। यहाँ पे माना जा रही है, क्या उबला अंडा तो रखा हुआ पहले से, तो तुम्हें कैसे काटा जल्दी, पहले से कटा हुआ था। अच्छा, एक चाय बन रही है, अंडा खा लेंगे, 4-5 खा लेंगे। था कि पहले पराठा खा लो, पराठा मैंने नहीं खाना था, कि मैं काब ना वही बचा के रखना था, मैं सोचा था अभी उठते प्रोटीन पी लेता, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। रुमकी का लुक कैसे लग रहा है आपको, कॉमेंट्स में बताइए। बहुत लोग अच्छा लगता है, बहुत लोग अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ट्रस्ट में गाइस, जो ये वाला परफ्यूम मैं लगा रहा हूँ ना, आए ये मैंने बनाया है अंडे के ऊपर बैठे बैठे, पता नहीं ये अंडे का ट्रे लगा यहाँ पे क्यों रख दिया। डिक्लाइनर के नीचे वाले के और बाकी सारे फूल हैं, बस वही बचे हैं। भाई साहब ये आ गया है खाना मेरे पास, मेरी बिरयानी डाइट वाली, और ये बैठा है शिंदा। जैसे ही बिरयानी आई ये वैसे शिंदा बैठ जाता है। मैं उतनी देर से बैठ के लाइव आया था 2 घंटा, और फिर मैं ब्लॉग व्लॉग एडिट कर रहा था, और 2 दिन से जिम नहीं गया हूं गाइस, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये गर्मा गर्म मम्मी ने पत्ता गोभी ले आई तेल में भिगो के पूरा, आधा खा चुका मैं तब लेके। तो गाइस अभी हम लोग 9:30 बजे जाएंगे मूवी देखने, टाइगर जिंदा है 3। इसमें पूरा फटाका फूट रहा है गाइस, और दीपावली मनाने के लिए अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा कपड़ा चेंज करने। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं किस चीज़ का, हम लोग प्लान कर रहे हैं मूवी देखने का। जैसे कि मैंने बताया टिकट विकट मैंने सारी कर ली है, अब बोल दिया है क्यों जाके सारी टिकट कर देगा अभी, और मम्मी बोल रही है कुछ कुर्ता वर्ता पहन लो या कुछ पहन लो, फिर निकलते हैं हम लोग। क्या करोगे, लुंगी में तो जा नहीं सकते ना कहीं, शर्ट मैंने अभी पहनी थी यार। क्या मैं सोच रहा हूँ कि वैसी फुल ठंडी हो जाए, फिर मैं अपनी लेदर वाली जैकेट पहनूँ, पूरी सर्दी में मैं अपनी लेदर ही जैकेट पहने रहूँगा और कुछ पहनूंगा भी नहीं। एक बार मैंने सिलवा के पहना था ईद वाले दिन, अयूब ने, एक अयूब ने सिलवाया था, एक मैंने सिलवाया था, दोनों ने सिलवाया था। अयूब ने पता नहीं किसको दे दिया ये वाला, मुझे लग रहा है अयूब ने मेरा वाला साइज दे दिया, लेकिन पता नहीं इतना टाइट नहीं हो रहा था पूरे कुर्ते को, एक बार पहना और दोबारा मैं पहन नहीं सकता, मूड खराब हो गया। तो गाइस गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अब चल रहे हैं हम लोग PVR मूवी देख रहे हैं, टाइगर जिंदा है जिसमें शाहरुख खान भी है। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अभी बज रहा है 9:08 और 9:50 पे मूवी चालू हो जाएगी। मम्मी लोग को बैठाऊंगा, अयूब आ रहा, अभी बोल रहा था कि आगे तक है थोड़ा सा। पहनाइए, मैंने शर्ट पहनी है पापा की, 1992 या 93-95 मिली होगी पापा ने उसको। अयूब ने भी खूब पहना है, मैंने बचपन में खूब पहनी है, फिर अयूब ने खूब पहनी है, फिर मैंने अब पहनता हूँ। तो ये हमेशा से पापा की ये मेरी शर्ट है, ये हमेशा से चलती है और बहुत ज़बरदस्त शर्ट है। गाइस तो हुआ ये कि मैं कार निकाल रहा था, कार के पीछे की जो क्या बोलते हैं टायर था पूरा पंचर था, तो कार लेके नहीं आ सकते थे। फिर मैंने सोचा था चलो हवा भरवा लेते, हवा भरवाने गए तो वहाँ पर भी दुकान बढ़ा ही रहे थे। 9:30 बज गया था,
और जहाँ मुझे जाना था दीप सिनेमा, क्योंकि वो मेरे घर से कम ये तो 10 किलोमीटर आई थिंक दूर था, तो मैंने उतना समझ में नहीं आया कि उतनी दूर जाना चाहिए। गुरुदेव में बगल में मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये वाला सिनेमा हॉल, तो मैंने सोचा यहीं पे आके मूवी देख लेते हैं। तो फाइनली अभी 9:40 पे हम लोग आए और 10 मिनट के बाद 9:55 पे यहाँ पे शो है। यार ये लोग पता नहीं क्यों पिज़्ज़ा हट के अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बंदर हुआ। हमें भूत कदर देते हैं ना, क्या ले रहे हैं ये लोग पता नहीं क्या ले रहे हैं। उससे बोल देते मैं ऑर्डर कर देता, लेकिन पता नहीं फिर भी जाके क्या खाना है इन लोगों को। कैसे खोलो, क्या लिया है? तो अभी इनका कहना है कि 9:10 पे मूवी स्टार्ट होगी, तो अभी थोड़ा सा बैठ के पिज्ज़ा वज़ा खा लो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, लेकिन फिर भी खाऊंगा। अरे मत पड़ो भाई, मत पड़ो, पीछे मत पड़ो। मोज़रेला नहीं डाला, इतना बड़ा वाला पिज्ज़ा क्यों मंगा लिया तुमने? माना इतना खर्चा एक बार में किया तुमने? अभी थोड़ा लगे भाइयों, सब लोग बैठे रहोगे कि चलना भी है, टाइम हो गया है, चलो सब कुछ चाहिए। माना गला खराब हो जाएगा, नहीं समझ रही हो तुम? हो गया कसम से यार, ये देखो डिलीवरी बॉय। नहीं डिलीवरी बॉय नहीं भाई, ये तो कोई नॉर्मल आदमी है, सो गया है। सो गया है और बहुत गहरी नींद में सो गया है, क्योंकि आज चली है दारू, दारू पी के, दारू पी के। सब लोग जा चुके हैं, यहाँ पे हम लोग चढ़े रहते थे ऊपर, पूरा यहाँ पे हजारों का मजमा। पीछे वाले मतलब गुलदस्ता, खुदा हमारा वतन है। नजर साहब की कुर्बानी ये वतन। हमारा एक एजेंट लापता है, पिछले 2 सालों से एरा मिस कर दिया नाच में का। वो बोली ख्वाबों में हरा रहा, मतलब घर जाके पूरी तफसील में बात करेंगे घर अभी जा। गाइस बड़ी ठंडी लग रही है, गाड़ी तो लिखी नहीं, मैं पुरानी वाली स्कूटी लेके आया हूँ और उसको भी चलाने में बड़ी ठंडी लग रही है। जल्दी जल्दी भी हुडी पहनना भूल गया। धीरे धीरे करके हम लोग निकलेंगे, घर की तरफ निकल रहे हैं गाइस। टंग 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 टू नेक्स्ट डे। सलमान खान की बजरंगी भाईजान मुझे बहुत अच्छी लगी, सलमान खान की हम दिल दे चुके सनम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, सलमान खान की तेरे नाम बहुत अच्छी लगी, सलमान खान की वांटेड बहुत अच्छी लगी, सलमान खान की बहुत बहुत सारी मूवीज़ हैं, कुछ कुछ होता है मैं सलमान खान का रोल बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत सारी मूवीज़ है जो सलमान खान की मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन किसी का भाई किसी की जान मुझे अच्छी नहीं लगी भाई। उसमें सलमान खान की गलती नहीं है, उसमें कहानी की गलती थी, टाइगर 3। तो मूवी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन मुझे
बहुत अच्छी नहीं लगी क्योंकि थोड़ा सा हमें सेंस नहीं समझ में आया, कुछ मूवी की स्टोरी समझ में नहीं आई। अब यशराज की मूवीज़ में ज़्यादातर आपको एंट्री एग्जिट स्लो मोशन ये सब मिलता है देखने को, और मुझे अच्छा लगा, स्लो मोशन तो बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन इमरान हाशमी बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी जब कहानी अच्छी नहीं हो तो आपके जितने भी फेवरेट एक्टर आ जाए वो सब मिला के और जितने भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दें सब मिला के भी पिक्चर का कुछ नहीं बना सकते। लेकिन सलमान खान का जो फ़ैन है उसके लिए बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है उसके लिए, और जो बहुत जजमेंटल है, जो सही गलत एकदम बता के ही रहेगा, उसको नहीं जान देखना है कि कौन स्टार है कौन क्या है, तो भाई उसके हिसाब से सही नहीं है, नहीं है। हद से ज़्यादा फूटी किस्मत है। जिम गए, जिम बंद, कल भी बंद था आज भी बंद है, अब करें तो क्या करें, सोच रहे जाके वॉक वॉक कर लिया जाए, थोड़ी सी वॉक करोगे, जिम बंद है आज, वॉकिंग करोगे 2 घंटे। जो मौसम आ रहा है सर्दी का मौसम, मतलब एक अलग अलग, हर इंसान की अपनी अपनी अलग मेमोरीज होती होंगी सर्दी को लेके, किसी की प्यार की, किसी की किसी जगह की, या कोई कहीं जॉब कर रहा होता है वहाँ पे, या कहीं पे पढ़ रहा होता है तो, और फिर वापस आ जाता है तो उसको याद आता है अच्छा सर्दियों में हम वहाँ थे तो कितना अच्छा लगता था। तो मेरी भी एक स्टोरी है सर्दी की, एक नहीं बहुत सारी स्टोरी है सर, मैं एक ही सुनाऊंगा। मैं बहुत जब छोटा था तो मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, और मैं बहुत सर्दी के टाइम था, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो मुझे मेरे साथ आता था साइकिल से और मुझे लेके जाता था, मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस जाके उसकी कोचिंग के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और इतनी सर्दी होती थी कि मैं टोपे के ऊपर टोपा, मतलब कैप के ऊपर कैप पहन के और फिर जाके खड़ा हो जाता था, इतना कोहरा होता था कि हम लोग एक वन आर्म में भी, मतलब इतने डिस्टेंस में भी हम लोग नहीं देख सकते थे। तो फिर हम लोग जाके क्या बोलते हैं उसकी कोचिंग के पास खड़े होते थे, देखते थे, वो जाती थी, तो वो जो प्रोसेस होता था 1 घंटे पहले से कोचिंग के पास बैठ जाना, खड़ा हो जाना, वो मुझे बड़ा याद आता है। तो वो याद आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, फिर बहुत सारे त्यौहार आ जाते हैं सर्दियों में, पड़ते हैं हम लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सबको आप लोग को भी सर्दियाँ क्या क्या याद दिलाती हैं वो कमेंट्स में बताओ। तो गाइस देखिए कौन आया, बिलाल आया, बिलाल इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम, इतने दिन के बाद क्यों आए बिलाल, इतने दिन से तुम हो यहाँ पे, तो तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों इतनी बड़ा धोखा दे दिया तुमने मुझे। ये देखिए बिलाल ने अपने ये 2 दांत स्पेशली चूहे वाले बनवाए हैं, इसको पसंद नहीं थे, इसको चाहिए था कि इसके थोड़े से चूहे वाले दांत हो जाएं। बिलाल भी देख रहा है कि मैं दीपावली में कहीं नहीं जा रहा हूँ, बाहर मतलब घर में बैठा हुआ हूँ, और मम्मी लोग सब लोग अयूब लोग बाहर जाके बैठे हुए हैं अपना, मतलब बाहर नहीं बैठे हुए अपना घूम रहे हैं, मैं सिर्फ घर में अकेले बैठ के टीवी देख रहा हूँ, और वाईफाई भी नहीं चल रहा है, नेट भी नहीं चल रहा है। अभी मैंने कुछ सामान ब्लिंकिट्स ऑर्डर किया है, कुछ फल है जो ब्लिंकिट्स ऑर्डर किए हैं, वो थोड़ी देर में आने वाला है और उसको रिसीव करेंगे। लाइव है, हो गया कौन चीज़ है क्या मेरी जी, इसको मैंने रखा अभी, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। प्रोटीन बार्स मैंने ये लिया था, थोड़ा सा मन कर रहा था पीने का, और ये मल्टीग्रेन ब्रेड है गाइस, मल्टीग्रेन ब्रेड ज़रूरी होता है, 50 रुपये का 4 केला, वो भी कच्चे केले, और 4 सेब है 200 रुपये। वेल थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक कि व्लॉग को देखने के लिए, और मेरी आंखों में खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, थैंक यू सो मच यहाँ तक व्लॉग को देखने के लिए। अब मैं व्लॉग को एडिट कर रहा हूँ, एडिट ऑलमोस्ट कर दिया मैंने, बस ये लास्ट वाली क्लिप में, जब भी मैं लास्ट वाली क्लिप एंड करता हूँ ना, जब भी बोलता हूँ तो सोच लो कि मैंने व्लॉग पूरा एडिट कर दिया, अब इसको लगाऊंगा और फिर उसको एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दूंगा, तो अभी रात में 12 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। बाय, हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और जो भी मेरा व्लॉग देखता है थैंक यू सो मच, और जो छुप छुप के देखता है किसी शातिर निगाहों से देखता है उसके लिए भी बहुत सारा प्यार, बस जो भी जिस भी तरह से मेरा व्लॉग को यहाँ तक देखता है, और थैंक यू सो मच, धीरे धीरे मैं सीखूँगा, धीरे धीरे ही सीख सीख के अच्छे व्लॉग बनेंगे। बाय।